बिहार में जो दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अब उसमें दिलचस्पी आ गई है। कल जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, तो वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको कि दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब नीतीश कुमार चुनावी मैदान में होंगे। बात की जाए तो निशाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि लालू यादव को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी पटना आगमन के बाद जो सियासत है वो गर्मा गई है। बात की जाए तो बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आज कुशेश्वर और तारापुर दोनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ NDA के दूसरे नेता भी इस चुनावी जनसभा में मौजूद रहेंगे। तकरीबन दोपहर में 11:45 पर कुशेश्वर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। CM नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 11 पटना से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के साथ BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। 26 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 26 अक्टूबर को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, मंत्री मुकेश सहनी, विजय चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बात की जाए तो 26 अक्टूबर को पहली जनसभा 11 मुंगेर के तारापुर स्थित रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के खेल मैदान संग्रामपुर में होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा टेटिया स्थित खेल मैदान 12:30 पर होगी। वहीं तीसरी जनसभा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में और चौथी जनसभा 2:30 में ग्यासपुर स्थित खेत मैदान में होगी। मुख्यमंत्री के चुनावी दौर को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार उपचुनाव में आखिर जनता को क्या मैसेज देंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। आपको बता दें कि बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 28 अक्टूबर तक के चुनाव प्रचार किया जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी चुनावी रैलियों के जरिए NDA की एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में महागठबंधन को पूरी तरीके से बिखरा नज़र आ रहा है। RJD और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है, तो लगातार दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। इस सब का फायदा उठाने भी नीतीश कुमार के एक एजेंडे में शामिल होगा। वहीं बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं और नीतीश कुमार की अगर जनसभा आज शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जहां राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में जाते हैं तो परिणाम बदलेगा, परिणाम बेहतर होगा, वहीं आज जब नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि किन एजेंडों पर नीतीश कुमार राजद को घेरते हैं, महागठबंधन को घेरते हैं और चुनावी जनसभा करते हैं। तो कह सकते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी जब बिहार में हो गई है और बिहार में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार चुनावी जनसभा में होंगे, तो जो नज़ारा है बिहार की सियासत का, उसमें एक बड़ा उबाल देखने को मिल सकता है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।